गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में अरोह का परिमेयकरण कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√7। एक जो है वो हमारी परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन रूट जो साथ है वो है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। उसका हमने करना परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1/√7 किसका परिमेयकरण करना है, अरों का। अर क्या हमारा √7 √7 और अंश ये है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे। इसी संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे, इसी संख्या से इसको हमें गुणा करेंगे, इसी से भाग करेंगे, √7 से √7। ये हो गया अर का परिमेयकरण। 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √7 = √7। 7 √7 है, √7 है गुणा √7 है। इसकी गुणा की तो कितना आ गया, √49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 = 7 = 49। इसका वर्गमूल निकल गया, 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया 7 = 49 का वर्गमूल 7। ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, 1/√7 - √6। 1/√7 - √6 इसका का परिमेयकरण करना है। अंश क्या हमारा, अंश है 1 और हर है √7 - √6। इस संख्या को जो कि तो लिख लेते हैं √7 - √6। किसका का परिमेय, किसका करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो इसी संख्या को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस, ऊपर लेके चलेगी संख्या को तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस √7 + √6, और नीचे भी यही संख्या आएगी √7 + √6। अब यहां कर लेते हैं, इसकी एक के साथ गुणा करेंगे, √7 + √6 = √6। अब देखो ये है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये हो गया a माइनस b और ये हो गया a प्लस b, सेम है दोनों, लेकिन बीच में पर किसका है, माइनस और प्लस का, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a² - b² वाला। ये हो जाएगा √7 इसका स्क्वायर, आगे आ जाएगा माइनस √6 इसका स्क्वायर, या रीजन दे देंगे बिकॉज, क्योंकि a² - b² = a - b * a + b, ये फॉर्मूला यूज हो गया। ये जो का तो √7 + √6, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, कैंसिल हो गया, वर्ग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे यहाँ पे बच गया 7 और यहाँ पे कितना बच गया 6, क्योंकि ये जो 2 था 2 से सिर्फ ये जो रूट है ना, ये रूट कटा है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 और गुणा 1/2 होता है, ये जो रूट होता है ना इसका मान करता है 1/2 और गुणा में ऊपर की तरफ होता है 1/2, 1/2 से 2 कट गया, खाली 7 बच गया, खाली 7 बच गया, बराबर है √7 + √6। ये आंसर आ, क्योंकि नीचे इसमें घटा दिया, एक बच गया, एक नीचे रखो या नहीं रखो, हम यहाँ पे एक रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, वो एक तो मानना ही जाएगा, ये आंसर आ गया इसका। ऐसा मान लिया, एक बार फिर से देख लो, 1/√7 - √6, इसका हमने अर का परिमेयकरण करना था, किसका, अर का, अर कितना है √7 - √6 और अंश कितना है 1, तो अर का परिमेयकरण करेंगे तो इसी संख्या को अर से गुणा करेंगे, अर को ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये नीचे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा √7 + √6 और नीचे हो गया √7 + √6। ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a² - b² वाला, ये वाला a² - b² बराबर है a - b + a + b। यहाँ बचेगा 7, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 7 - 6 ये जो का त्यों है, ये आंसर आ गया। अगला पार्ट,
पार्ट नंबर थ्री, इसी का है पार्ट नंबर थ्री, एक बटा रूट फाइव, एक बटा रूट फाइव प्लस रूट दो, एक बटा रूट फाइव प्लस है रूट दो, इसका हमने अर्का प्रमेयकरण करना है। वही फॉर्मूला अर क्या है हमारा, अर है रूट फाइव प्लस रूट दो, अंश कितना है एक, एक बटा रूट फाइव प्लस रूट दो, ये तो वही संख्या होगी एज इट इज। अब अर्का प्रमेयकरण करना है, अर को ऊपर लेके जाएंगे, अर को ऊपर लेके चले गए यहाँ पे क्या है प्लस, क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस, रूट फाइव माइनस रूट दो, और नीचे भी क्या हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट दो, इसकी एक के साथ तुलना करेंगे रूट फाइव एकम रूट फाइव माइनस रूट दो, नीचे वही फॉर्मूला यूज हो गया रूट रूट फाइव इसका स्क्वेयर और माइनस रूट टू इसका स्क्वेयर, अगर बिकॉज क्योंकि कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, या हम इसको ऐसे भी सकते हैं पहले माइनस कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ही बात है। जैसे कि दो को हम चार से गुणा करें कितना होगा चार गुणी आठ, या चार को हम पहले भी रख सकते हैं चार गुणा हुआ दो चार गुणी आठ आना है वही, चाहे तो ए माइनस बी पहले रख सकते हो ए प्लस बी बाद में, कोई दिक्कत बात नहीं। अब देखो भाई रूट फाइव, रूट फाइव माइनस रूट टू, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, पांच बच गया, पांच माइनस दो फाइव माइनस टू कितना बच गया तीन, कितना बच गया तीन, यहाँ पे सिर्फ पांच बचा है, पांच में से हमने दो घटा दिया कितना बच गया तीन, ये हमारा आंसर है। अगला है एक बटा रूट सेवन माइनस टू, अगला पार्ट है इसका चार का पार्ट नंबर फोर, एक बटा रूट सेवन माइनस दो, इसका अर्का प्रमेयकरण करना है, सेम वही विधि, एक बार तो जो संख्या दी है उसको एज इट इज जो का तो लिखेंगे एक रूट सेवन माइनस टू, अब अर्का प्रमेयकरण करना है, हमारा कितना है रूट सेवन माइनस टू, इसको ऊपर लेके चले गए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा रूट सेवन प्लस टू, रूट सेवन प्लस टू, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज हो गया, ये हमारी ए है ये बी है ये ए है ये है बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वही फॉर्मूला यूज कर देंगे इसमें हम, ठीक है। सात की एक से गुणा करेंगे रूट सेवन एकम सेवन प्लस दो एकम दो, रूट सेवन इसका स्क्वेयर माइनस टू है इसका स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल हो गया रूट सेवन प्लस टू, ये बच गया यहाँ पे सेवन सात बच गया, दो का स्क्वेयर कितना होता है दो दूनी चार, बीच में माइनस का निशान है माइनस का निशान दे दो, रूट सेवन प्लस टू, सात में चार गया तीन, सात में चार गया तीन, ये आंसर है। तो ये था हमारा 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे आती है एक्सरसाइज नंबर 8.6। 1.6 1.6 इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर एक इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देते हैं 64
64 की पावर दी है 1/2, यानी कि 1/2। 64 की पावर कितनी दी है 1/2, 1/2। 64 के फैक्टर कर लेते हैं, 64 की क्या करेंगे फैक्टर, 64 की गुणनखंड कर लेते हैं। 8 × 8 = 64, और उसी पावर कितनी दी थी 1/2। 64 था, ये किसके बराबर होगा 8 × 8 किसके बराबर होगा 64 के बराबर होगा। 64 के टुकड़े कर दिए, इसके फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए इसके। अब 8 कितनी बार आया है, 8 दो बार आया है, इसका मतलब भी यही है, ये भी 64 है, ये भी 64 है, ये भी हमारा 64 है। इसकी पावर कितनी दी थी, पावर इसी दी थी 1/2, यानी कि 1/2। अब हमारे पास आता है 1/2 × 2, ये वाला इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर 1 बच गया, 8 एकम 8, ये हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लो, 64 की पावर दी 1/2, 64 के हमने फैक्टर कर लिए, 64 की गुणनखंड कर लिए, 8 × 8 = 64। 8 कितनी बार आया था, 8 दो बार आया था, 8 की पावर कितनी थी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर कितनी बच गई, 8 की पावर यहाँ पे 1 बच गई, 8 एकम 8, ये हमारा आंसर है। अगला देखो, सेकंड पार्ट है इसका 32, यानी कि 32 की पावर दी है 1/5 1/5। अब ये जो है 32 32, इसके टुकड़े करेंगे हम, टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, किसके बराबर हो गया ये 32 के बराबर हो गया, ये भी 32 है, ये भी 32 हो गया। इसकी पावर कितनी दी है, इसकी पावर दी 1/5 1/5। 2 कितनी बार आया है, 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, 2 की पावर कितनी 5, 2 की 5 का मतलब क्या होगा, किसकी इक्वल है ये 32 के 32 के, इसकी पावर कितनी दी थी 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितनी बची 1 2 एकम 2 2 एकम 2, ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देखें, 32 इसकी पावर दी है 1/5, 32 के हमने टुकड़े कर दिए, गुणनखंड कर दिए, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, 2 कितनी बार आया, 2 आया 5 बार, कितनी बार आया था 5 बार, इसकी पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गए, इसकी पावर बची 1, तो 2 एकम 2। अगला पार्ट, पार्ट नंबर 3, ये दिया है 125 और इसकी पावर दी है 1/3, यानी कि 125 और इसकी पावर दी है 1/3, 125 इसकी पावर होगी 1/3, इसके हमने गुणनखंड कर लेने हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, 5 × 5 × 5, 25 और 25 × 125 इसके बराबर आ गई, और इसकी पावर कितनी दी है, ये जो है ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, और इसकी पावर कितनी दी थी 1/3, पावर कितनी दी थी 1/3, 5 कितनी बार आया है, 5 3 बार आया है, 5 × 5 = 3, ये भी 125 के बराबर हो गया, और इसकी पावर कितनी दी थी 1/3 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर कितनी बची 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आगे है, वैसे आज के लिए इतना ही काफी है।